फोन का पहला सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा गया है यूनिटेल नोटपैड। ये हम लोगों का नेम बार बोला जाता है, यानी हम अपने नाम से कोई फाइल यदि सेव करते हैं तो यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आ जाता है। जैसे हम लिखे हैं, टाइप किए हैं आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब हम इसको सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम अपना नाम देते हैं आजाद और यहाँ से इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका जो नेम बार एरिया है यहाँ पे दे रहा है आजाद नोटपैड। मतलब इसका होता क्या है कि नोटपैड में आजाद नाम से फाइल बनाया गया है। इसमें टोटल 5 मेनू होते हैं। पहला आपका होता है फाइल, दूसरा होता है एडिट, तीसरा आपका फॉर्मेट, चौथा आपका व्यू, पांचवा आपका हेल्प। फाइल में हम जाते हैं, कुछ कमांड मिलते हैं। जो पहला है आपका न्यू, न्यू से होता है इन्हीं इसकी शॉर्टकट की रहता है Ctrl+N। Ctrl+N से हम जब यूज करेंगे तो एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। उसके नीचे आता है ओपन। ओपन से यदि हम पहले से कोई फाइल बनाए हैं उसकी फाइल को यदि हमको ओपन करना है तो इनकी शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। और ओपन पे जा करके हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो मैटर है पहले से हमने सेव किया है वो हम लोगों का ओपन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका है सेव, यानी इसकी शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। और पहले से कोई मैटर यदि हमने बनाया है और उसमें कोई एडिट करना है कोई मैटर तो उसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद Ctrl+S करेंगे तो ये हमारा फाइल जो है उसी फाइल में जा करके सेव हो जाएगा जो हम पहले से नाम दिए हैं। अगला आपका है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, नए नाम से नई फाइल को नए जगह पे सेव करना। अब अगला आपका आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पेज सेटअप से संबंधित कुछ फीचर मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है साइज, तो कंप्यूटर सबसे ज्यादा हमारा A4 साइज को सिलेक्ट करता है, यानी A4 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ओरिएंटेशन का बता रहा है, पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पेज आपका ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा कुछ इस तरीके से। और इसी पेज को यदि हमको लैंडस्केप में करना है तो फिर हम यहाँ पे चेक लगाएंगे और ये पेज आपका लैंडस्केप में हो गया। तो अक्सर पेज को हम पोर्ट्रेट में ही निकालते हैं। और पेज के चारों तरफ आप ध्यान से देख रहे थे यहाँ पे मार्जिन दिया गया है। लेफ्ट में आपका 0.75 है, राइट में आपका 0.75 है, टॉप में आपका 1 पॉइंट है और बॉटम में आपका 1 पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दे रखा आपका हेडर। हेडर में हमने डाला है आजाद, फुटर में हमने डाल दिया माहौल। और यहां से इसको ओके करेंगे। यदि आपको ये कंप्लीट करना है तो ओके करेंगे, अगर कैंसिल करना है तो आप यहां से कैंसिल कर सकते हो। तो हमको ये पेज लेना है तो हम यहां से ओके करेंगे और पुनः फाइल में जाएंगे। अगला आता है प्रिंट। जैसे हमने कोई मैटर टाइप किया उसका प्रिंट आउट हमको अपने कस्टमर को देना है तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे तो Ctrl+P है और फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट होना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे बता रहा है कि जनरल सिलेक्ट ए प्रिंटर, यानी कौन से कंपनी का आपका प्रिंटर है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे आपका स्टेटस चल रहा है, लोकेशन है, कमेंट है, प्रिंट टू फाइल। यदि हमको किसी फाइल को प्रिंट करना है तो यहाँ पे चेक लगाएंगे कुछ इस तरीके से, नहीं करना है तो अनचेक करेंगे। परफॉर्मेंस इनका पूछ रहा है, यानी पेज से संबंधित। फाइंड ए प्रिंटर, कौन से प्रिंटर को जोड़ना है उसके बारे में रिकॉर्ड बताता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बता रहा आपका नंबर ऑफ कॉपीज, यानी आप नोटपैड में एक बार में कितनी कापियां को एक साथ निकाल सकते हो। तो हम एक बार में एक से लेकर के 9 कापी तक प्रिंट आउट दे सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे दे रहा आपका सिलेक्शन है, पेजेस है, करंट पेज, और यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए देता है कि पेज को कितना कलेक्ट करना है। यदि आपके पास प्रिंटर है, प्रिंट को आप कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे सब हाईलाइटेड रहेगा और आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट आपका होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपको प्रिंट करना है तो अप्लाई और प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करना है कैंसिल पे जाके कमांड से बाहर निकल जाएंगे। पुनः हम फाइल में जाते हैं, लास्ट कमांड आपका है एग्जिट। एग्जिट में क्या होता है आपका कि जो आपका सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है, यानी आपका नोट पैड का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका क्लोज हो जाता है। अगला आपका है एडिट। एडिट में आपका टोटली 11 ग्रुप होते हैं। पहला दे रखा आपका अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। तो हम सबसे पहले अंडू का इस्तेमाल करते हैं। अंडू का इस्तेमाल करने के लिए हमको इनमें से जैसे हम यू टी ई को सिलेक्ट करते हैं, फाइल में एडिट में जाएंगे और यहां से डिलीट पर क्लिक करेंगे, तो ये हम लोगों का मैटर डिलीट हो चुका। यही मैटर हम लोगों को पुनः वापस लाना है। एडिट में जाएंगे, अंडू करेंगे और यहां पे हम लोगों का मैटर वापस आ चुका। उसके बाद एडिट में जाएंगे, बता रहा है यहां पे कट करने के लिए, कट की शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यस, और यहां से इसको हम कट करते हैं, ये मैटर आपका हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर हमको यही मैटर इसके नीचे पेस्ट करना है, एडिट में जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे और ये मैटर आपका पुनः वापिस आ गया। एडिट में जाएंगे तो हम लोग आंडू पढ़ चुके, कट पढ़ चुके, कॉपी पढ़ चुके, पेस्ट भी हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है डिलीट। डिलीट आप यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी आपका हाईलाइटेड नहीं है। अगर हमको डिलीट को हाईलाइटेड करना है तो उसके लिए सबसे पहले इनमें से किसी शब्द को सिलेक्ट करना है, फिर से एडिट में जाएंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन चालू हो गया और यहाँ पे डिलीट की पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। वापिस लाना है, कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे, ये आपका वापिस आ जाएगा। फिर हम एडिट में चलते हैं। अगला दे रहा आपका फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को ढूंढना। जैसे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, यहाँ पे दे रहा है कि फाइंड वर्ड, यहाँ पे है मैच केस, यहाँ पे आपका अप है, यहाँ पे डाउन है, और जैसे कोई सेंटेंस को हमको ढूंढना, जैसे ए को हमको सर्च करना है तो अपने कीबोर्ड से ए को प्रेस करेंगे और ये पूछ रहा है कि ए आपका कौन सी लाइन में है, आप पे लगाएंगे और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये आपका बता रहा ए यहाँ पे आ चुका। और हमको ए को चेक करना है, पुनः फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ भी ए है, एक बार और क्लिक करेंगे तो जितना हमारे पास ए रहेगा सबका रिकॉर्ड यहाँ पे बता देता है। यदि हम लोगों को डाउन पे चेक करना है तो डाउन पे क्लिक करेंगे और ठीक वही चीज हम लोगों का रिटर्न बताएगा कि फाइंड में आपका ए कहाँ कहाँ पे दिया गया है। यहां से हम कैंसिल करते हैं। अगला आपका है रिप्लेस, यानी एक शब्द को रिप्लेस करना है या कई शब्दों को एक बार में रिप्लेस करना है। जैसे हम ए को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे पूछ रहा है रिप्लेस विद, ए को किस में रिप्लेस करना है। जैसे हमको यहाँ पे ए को डब्लू में रिप्लेस करना है तो डब्लू को प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है मैच केस, यानी केस को मैच कराना है, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, कैंसिल। अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी एक बार में एक ही सेंटेंस आपका रिप्लेस होगा। नीचे दे रखा है आपका रिप्लेस ऑल, यदि हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सेंटेंस में, यानी जो हमारा नोट पैड है इसमें जितने भी सेंटेंस ए के नाम से हैं सब आपका डब्लू में प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं
अब हम देख रहे हैं तो जितना हमारे पास ए था ये सब आपका डब्ल्यू में प्रदर्शित हो चुका। जैसे यहाँ भी ए था डब्ल्यू हो गया, ए भी डब्ल्यू हो गया, और यहाँ पे और कोई हम लोगों का ए नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आपका ए था, ए भी आपका डब्ल्यू में परिवर्तित हो गया। तो जब भी हम चेंजिंग कर लेते हैं तो यहाँ से कैंसिल पे क्लिक करेंगे, पुनः एडिट कमांड में जाते हैं, और अगला आपका है गो टू। यानी गो टू का मतलब होता है कि कौन से लाइन पे आपका कर्सर चल रहा है उस लाइन पे आपका रिकॉर्ड चेक करना है। जैसे यहाँ पे हम चेक करें कि फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे बता रहा है, इसको हम डालते हैं दो लाइन, दो पे क्लिक करेंगे, गो टू करेंगे, और यहाँ पे आपका कर्सर दो नंबर पे आ चुका। अगला आपका एडिट कमांड का है सिलेक्ट आल, यानी इसकी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ए, यानी एक साथ सभी मैटर को यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है। अगला आपका ऑप्शन है टाइम एंड डेट, यानी हम 7:05 पे टाइप किए हैं, जिसमें आपका 3/27/2023, यानी कंप्यूटर क्या करता है उल्टा डेट एंड टाइम को बताता है 27/3/2023 में ए मैटर आपका टाइप किया गया है। ठीक है, आज के डेट में हम लोग फाइल पढ़ चुके हैं, एडिट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा फॉर्मेट व्यू हेल्प।